अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी अदाकार अब अंग्रेज़ों की तरह सरेआम किस करने लगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले व्यूअर्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे चैनल पर हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पाकिस्तानी फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री में तब्दीली के साथ साथ बेहयाई और मॉडर्निज्म का बुखार जिस तरफ उनको लेके जा रहा है, पता नहीं आगे जाके क्या होगा। पहले तो सिर्फ हाथ पकड़ लेना, फिर गले लगा लेना, और अब व्यूअर्स बात तो बहुत आगे जा पहुंची है। सरेआम लिप किसिंग की फोटोज भी सेलिब्रिटीज जो है शेयर करना शुरू कर देंगे। ठीक है, मान लिया आप लोग मियां बीवी हैं, जो मर्जी करें, पर जरूरी है क्या आप कैमरे के सामने ये सब करें? या आप एक रूम में, एक चार दीवारी में भी तो रहकर कर सकते हैं। और अगर कैमरे के सामने भी कर लिया तो जरूरी है वो चीज आपने सोशल मीडिया पर डालनी है। पिछले दिनों व्यूअर्स मैंने एक वीडियो बनाई थी आयजा खान एंड दानिश तैमूर पे उनके वायरल शूट के बारे में, वो तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि अब हाल ही में सामने आई हैं सरवत गिलानी अपने मियां फहद मिर्जा के साथ लिप किसिंग करते हुए इटली में। इन दोनों ने तो सारी हदें ही पार कर दी। जी व्यूअर्स, जब ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर नजर आएंगी तो एप्रिसिएशन के साथ साथ तनकीद करने वाले भी बहुत सारे जन्म ले लेंगे। मौजूदा दौर में जब हमारी इंडस्ट्री तरक्की की तरफ जा रही है, इसमें सिर्फ नए अदाकार ही नहीं बल्कि सीनियर अदाकार भी कैमरे के सामने इस तरह से किसिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह की चीजें हमारे कल्चर को, हमारी सकाफत को बर्बाद कर रही हैं। इस पर सरवत गिलानी की इस फोटो पर लोगों ने खुल के मुखालफत की और बहुत सारी तनकीद जो है सामने नजर आई। और हमारे सेलिब्रिटीज ऐसी हरकतें करके वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, जबकि इन सेलिब्रिटीज़ को पाकिस्तान की सकाफत, हमारे कल्चर को प्रमोट करना चाहिए। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।